दोस्तों वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2023 की नई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट GTX प्लस GT लाइन ट्रिम का। अब आपको यहाँ पर तीन डिफरेंट लाइंस ऑफर करी जा रही हैं, टेक लाइन, GT लाइन एज वेल एज X लाइन को भी एक परमानेंट वेरिएंट की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब GTX प्लस DCT और GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक अगर आप ट्रिम्स खरीदते हैं वो एक तरह का सेकंड टॉप वेरिएंट यहाँ पर बन गया है। काफ़ी जो इजाफा है इस फीचर्स के मामले में एंड एस्थेटिक्स के मामले में यहाँ पर किया गया है किया के द्वारा। इसके अलावा आपको एक नया इंजन ऑप्शन भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, 1.5 टर्बो इंजन अब यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। 1.4 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लगभग 160 PS की पावर ये जो इंजन है यहाँ पर आपको जनरेट करके दे रहा है अलॉन्ग विथ 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये है फिलहाल डीजल ऑटोमेटिक ट्रिम, 1500 CC का डीजल इंजन है। 6-speed मैनुअल आपको यहाँ पर अब नहीं मिलेगा, 6-speed IMT एज वेल एज 6-speed टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है नई सेल्टोस के अंदर। दिस जनरेट्स अबाउट 115 PS ऑफ पावर एंड अराउंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फिलहाल बात करते हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट 2023 की। आगे बढ़ने से पहले मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, माय आईडी इज़ द कार शो _ by Arjoli। बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com। सो bootmo.com इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कार स्पेयर पार्ट नीड्स। चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद अ नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इश्यू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, bootmo.com द वेबसाइट एज वेल एज द एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल डिवाइसेस। चाबी से शुरुआत करते हैं। ऐसी कुछ जो चाबी आपको यहाँ पर ऑफर करी जा रही है, लॉक अनलॉक, इंजन को होल्ड करके स्टार्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, बूट को इलेक्ट्रिकली अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है, कोई भी टेलगेट रिलीज आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, चाबी कम्प्लीटली बदल दी गई है। एंड किया EV6 में जैसी चाबी आपको ऑफर करी जा रही थी वो अब आपको यहाँ पर मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्लीक है एंड इम्प्रेस आपको डेफिनेटली यहाँ पर करने वाली है। बाकी सेफ्टी के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं, 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक आपको स्टैंडर्ड मिल रही है अलॉन्ग विद अ होस्ट ऑफ अदर सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग हिल स्टार्ट असिस्ट, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ADAS लेवल 2 अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टॉप ट्रिम्स के अंदर, जो मैं आपको इंटीरियर्स में जाकर डेफिनेटली दिखाऊंगा कैसा कुछ वो ऑपरेट यहाँ पे होने वाला है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा यहाँ पर दिया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं सीधा हेडलैम्प क्लस्टर की ओर एंड यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या कुछ चेंजेस हैं। अब जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ट्वीक लगेगा, यहाँ पर DRL को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, अब ऑलमोस्ट ग्रिल के सेंटर तक जो DRL है यहाँ पर जाती है, थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर डिज़ाइन में भी है। LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आपको डायनामिक स्वाइपिंग इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये भी कम्प्लीटली LED बेस्ड है, तो फ्रंट से कम्प्लीटली LEDs जो हैं यहाँ पर कर दी गई हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर ऑफर करे जा रहे हैं, आइस क्यूब फॉग लैम्प्स आपको अभी भी मिलते हैं LED बेस्ड, बट अब आपको 4 छोटे छोटे पॉड्स यहाँ पर मिलेंगे, पहले 3 आपको पॉड्स ऑफर करे जा रहे थे। अभी GT लाइन ट्रिम है तो आपको स्किड प्लेट थोड़ी सी ट्विक मिलेगी, ज़्यादा स्पोर्टी इस वेरियंट को बनाया गया है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, इसके अलावा रेडार जो है ADAS का वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। किया की ब्रांडिंग है, नर्लिंग आपको मिलेगी टाइगर नोज ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कैमरा है प्लेस्ड दिखाई देगा। टायर साइज़ की बात करें तो 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं, डायमंड कट फिनिशिंग यहाँ पर दी जा रही है। टायर साइज़ की बात करें तो 215/55R 18 इंच के जो टायर्स हैं आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है नई किया सेल्टोस 2023। पियानो ब्लैक एंड क्रोम का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल है, आगे तो डिस्क ब्रेक यूनिट आपको मिलती है बट पीछे भी डिस्क ब्रेक यूनिट यहाँ पर ऑफर करी जा रही है।
लगभग 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल रही है। साइड पे बॉडी क्लैडिंग आपको दिखाई देगी, क्रोम बेस्ड डोर हैंडल है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs, जहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए कैमरा भी मिल रहा है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। रूफ रेल्स पहले की तरह ही सिमिलर रखी गई हैं, बस पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्रोम विंडो लाइन आपको यहाँ पर मिल रही है। ये है इस गाड़ी का रियर फैशिया। टेल लैम्प क्लस्टर में आपको पहले दिखाना चाहूँगा, अब आपको स्टार मैप LED टेल लैम्प्स यहाँ पर मिल रहे हैं, किया इनको स्टार मैप LEDs बुलाता है। अब कनेक्टेड टेल लैम्प्स का ज़माना है एंड किया भी पीछे नहीं छूटा है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बदलाव मिलेगा। कम्प्लीटली LED बेस्ड टेल लैम्प क्लस्टर है, यहाँ पर आप ऐसा कुछ जो लुक है इसका देख पा रहे होंगे। एंड अगेन जो सिग्नेचर स्टाइलिंग है किया की LEDs की, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। लोगो काफ़ी 3D सा है, काफ़ी क्वर्की लगता है इस रेड रिफ्लेक्टर के पार्ट के ऊपर। बाकी चार पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, ADAS के लिए 2 रेडार पीछे लगाए गए हैं। यहाँ पर अगेन आपको जो स्पोर्टी फिनिश है देने की कोशिश करी गई है इस GT लाइन ट्रिम के अंदर, GT लाइन की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स हैं, रिवर्स लैम्प आपको यहाँ पर मिलने वाला है अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर्स। एक बारी अगर बूट को एक्सेस किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज है आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ। 433 लीटर का बूट स्पेस है, 433 लीटर्स। यहाँ पर पार्सल शेल्फ आपको मिलने वाली है, देखिए स्पेयर व्हील के प्लेसमेंट यहाँ पर है, स्टील रेम है 21560R17, एक साइज छोटा स्पेयर व्हील यहाँ पर ऑफर कर रही है गाड़ी। बूट लैंप लगाया गया है, फ्लोर बेड कम्प्लीटली फ्लैट है तो आपको लोडिंग लिप एज सच नहीं मिलती, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इसको बनाया गया है। पार्सल शेल्फ आपको यहाँ पर मिलने वाली है एंड 60-40 स्प्लिट रेशियो में आप जो सीट्स हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ प्लास्टिक की कवरिंग भरपूर मात्रा में दी गई है। रियर वाइपर, इंटीग्रेटेड डिफॉगर, हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल रहा है। यह कुछ डोर पैड इस गाड़ी का, ट्वीटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है। 8 स्पीकर का आपको बोस का ऑडियो सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है इस ट्रिम के अंदर। वाइट इंसर्ट्स हैं टच पॉइंट्स पे, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है, जो मैं आपको इंटीरियर्स में जाके डिटेल में भी दिखाता हूँ। ORVM के कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कप होल्डर्स मिल दिखेंगे एंड 8-way एडजस्टेबल लेदर सीट्स आपको मिलती हैं वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के जो बटन्स हैं आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्टी पेडल्स जो हैं दिखाई दे रहे होंगे इंटीरियर्स के अंदर। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा इंटीरियर्स में, वहाँ पे आपको बताता हूँ फीचर्स में क्या कुछ इजाफा हुआ है इस नई किया सेल्टोस के अंदर। दोस्तों आ गए हैं हम नई किया सेल्टोस GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक के इंटीरियर्स में एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव करे गए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं। अब गाड़ी की चाबी वैसे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार आप फिर देख लीजिए, ऐसी कुछ जो चाबी है EV6 से मिलती जुलती अब यहाँ पर आपको ऑफर करी जा रही है। यहाँ पर आपको 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, इंजन होल्ड करके स्टार्ट करने का ऑप्शन है एंड आपको बूट को अनलॉक करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको नहीं मिलता, बट बूट जो है जाहिर सी बात है आपका अनलॉक हो जाएगा। अब एक्स लाइन के नीचे ये पर्टिकुलर वेरियंट जो है यहाँ पर इसको प्लेस किया गया है। पहले GTX प्लस फ्लैगशिप वेरियंट होता था, उसके बाद एक्स लाइन जो मैट एडिशन है कुछ समय के लिए आई थी, बट अब एक्स लाइन को एज अ वेरियंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। बट बात करते हैं डिटेल में अभी GTX प्लस वेरियंट की, तो पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, किया की ब्रांडिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाते हैं ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, सेम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं करे गए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें पहले से मिलती रही हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा जो है बातचीत नहीं करने वाला इस वीडियो में। राइट हैंड साइड पे अब आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखेंगे। सेफ्टी के मामले में ये फीचर्स बहुत ज़्यादा बायर को इंसेंटिवाइज करेंगे सेल्टोस की टूवर्ड्स। तो यहाँ पर आपको पहले तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो 10.25 इंचेस का यूनिट अब ऑल डिजिटल यूनिट जो है यहाँ पर बना दिया गया है, जो बहुत ही क्रिस्प है एंड इट इज़ एक्चुअली एक्सेप्शनल टू यूज़। बाकी आपको यहाँ पे ADAS की जो फीचर्स हैं अब यहाँ पर
मिलते हुए दिखाई देंगे। लगभग 17 फीचर्स यहाँ पे ऐड करे गए हैं ईडास के। आगे आपको रेडार मिलता है, ऊपर की तरफ कैमरा और सेंसर्स भी लगाए गए हैं, पीछे की तरफ आपको दो रेडार यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब एग्जैक्ट यहाँ पे फिलहाल क्लैरिटी नहीं दी गई है कि एक्स लाइन एंड जीटी लाइन में जो लेवल 2 ईडास है उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे या फिर नहीं, बट फिलहाल जो मुझे यहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है, तो उसको तो आप यहाँ से यूज़ कर ही सकते हैं। फिलहाल आप इसको ऑन नहीं कर पाएंगे बिकॉज गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है, बट ये उसके लिए आपको बटन यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग रिलेटेड जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आपको मिलने वाला है एंड रेयर क्रॉस ड्राइव अलर्ट जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लेवल 2 ADAS में यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। बाकी उसके अलावा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है ये, पहले से किया और Hyundai हमेशा इम्प्रेस करते हैं हमें टेक के मामले में, यूज़र इंटरफेस के मामले में। दिस इज़ प्रिटी यूज़र फ्रेंडली। यहाँ पर आप ड्राइव इन्फॉर्मेशन जो है अपनी टॉगल थ्रू कर सकते हैं, उसके बटन्स आपको यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। ADAS की भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। TPMS यहाँ पे बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स पे मैं अभी आता हूँ। यहाँ पे ADAS की जो लेन डिपार्चर वार्निंग का जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा जो है वो तो आप यहाँ से टॉगल थ्रू कर ही सकते हैं। अब मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल। जैसे ही आप इंडिकेटर यहाँ पे इंगेज करेंगे आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिलने वाला है। कैमरा बेस्ड है, दोनों ही ORVMs के नीचे आपको कैमराज यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों ही ORVMs के नीचे आपको जो कैमराज हैं यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी मिलता है, बेसिकली वार्निंग जो ORVM पर आपको दिखाई देगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हेडलैम्प्स को ऑन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर। अब ये पुरानी सेल्टॉस में भी था, बट ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरैक्टिव फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी के साथ कनेक्टेड है। बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, GT लाइन की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, वाइट स्टिचिंग है, वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में इंटीरियर्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब ओवरऑल GT लाइन है तो डेफिनेटली आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं टू रेंडर द स्पोर्टी क्वोशेंट, बट उसके अलावा वाइट इंसर्ट्स जगह जगह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, डीजल वेरिएंट मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प का जो टॉगल है यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी एक फीचर जो GT लाइन मिस कर देता है वो है यहाँ पे हेड्सअप डिस्प्ले। एक्स लाइन वेरिएंट में आपको 8 इंच का हेड्सअप डिस्प्ले ऑफर किया जाएगा, वो यहाँ पर GT लाइन में आपको नहीं मिलता। आइडल स्टार्ट स्टॉप आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ आप यहां से कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहां पे मिलता है। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स यहां पे बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड रखे गए हैं। उसके साथ साथ 17 फीचर जो ADAS के हैं टॉप ट्रिम्स में उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो डायल्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपको सुंदर लगते हैं, जब आप ड्राइव मोड्स चेंज करते हैं तो आपको यहां पर इनके जो ग्राफिक्स है चेंज होते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ एक्चुअली एक्सेप्शनल। आपको एज सच कोई यूटिलिटी तो इसकी नहीं दिखेगी, बट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया लगने वाला है। बाकी ट्रैक्शन मोड्स भी आपको मिलते हैं, स्नो, मड एंड सैंड। बाकी ड्राइव में तो आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट तो मिलता ही है। आप इनके देख सकते हैं एनिमेशंस चेंज होते रहते हैं, कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले है। ये कर्व्ड यूनिट यहाँ पे लगाई गई है, 10.25 इंचेस का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। एंड अब आ जाते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम अब आपको यहाँ पर मिलता है एंड इसको कनेक्टेड डिस्प्ले के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अब UI इसका कुछ किया कैरेंस जैसा हो गया है एंड इसमें आप थीम्स वगैरह थोड़ा बहुत उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। 8 स्पीकर का सिस्टम है बोस की तरफ से, जो आपको HTX+ वेरियंट से ऑफर किया जा रहा है एंड एक्सेप्शनल ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली। वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पे फिलहाल मिल रहा है। किया कनेक्ट आपको मिलता है जिसके जो फीचर्स हैं आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होते हुए दिखाई देंगे। SOS रोड साइड असिस्टेंस एंड किया कनेक्ट का जो बटन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फिलहाल होम पेज पे जाते हैं, बहुत स्लिक है, किसी भी तरह की शिकायत मुझे पर्सनली इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से नहीं है। वैले मोड आपको साउंड मूड लैंप मिलता है, बेसिकली कुछ कुछ लाइटिंग के टचेज यहाँ पे ऑल अक्रॉस द इंटीरियर्स दिए गए हैं, मूड लाइटिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैप्स तो आपको मिलता ही है। क्लाइमेट कंट्रोल आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही है नई सेल्टॉस फेस सेफ 2023, तो वो भी आप यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है एक्सेस कर पाएंगे। सेटिंग्स में एक बार ही जाऊँ तो आपको व्हीकल के रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अगर मैं व्हीकल में आपको थोड़ा लेकर जाऊं दिखाऊं तो आपको
आप देख सकते हैं ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स, यहाँ पे आपको कुछ कुछ डिटेल्स उसकी मिल रही हैं। थीम के बारे में आपको बता रहा था, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, लाइट्स एट्सेट्रा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। एडास के साथ साथ आपको हाई बीम असिस्ट भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये एक फीचर है जो मेरे दिमाग से निकल गया था। ओवरऑल अभी मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के, बट अगर आप गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं सो डू स्टे रेस्ट अश्योर्ड, किसी भी तरह की दिक्कत आपको यहाँ पर इस मामले में नहीं लगने वाली है। बाकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे की तरफ आएँ तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पियानो ब्लैक टचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। फैन स्पीड कंट्रोलर डेफिनेटली एक ही है, बट आपको दोनों ही ड्राइवर्स के लिए अलग अलग जोन्स यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। काफ़ी सारे बटन्स हो गए हैं, बट एक्चुअली काफ़ी यूटिलिटी के बटन्स हैं। एंड अच्छी बात यहाँ पर किया नहीं ये की है कि आपको वॉल्यूम एंड ट्यूनिंग के लिए यहाँ पर फिजिकल रोटरी नॉब्स जो हैं दिए जा रहे हैं। एंड क्वालिटी इज टॉप नॉच। चाहे आप स्टीयरिंग व्हील पे कोई बटन छूइए, उसका जो फीडबैक आपको मिलता है, हैप्टिक फीडबैक आपको इमीडिएटली मिलता है। कहीं भी आपको हल्के प्लास्टिक्स इस इंटीरियर्स में नहीं दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो एसी के कंट्रोल्स हों, चाहे वो पियानो ब्लैक टचेज हों। ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट्स भी जगह जगह दिए गए हैं, तो उन सब चीज़ों का पूरा पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर जो फ़ोन है उसको ऐसा कुछ स्लाइड इन कर सकते हैं। यूएसपी टाइप ए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फास्ट चार्जिंग यूएसबी आपको यहाँ पर मिलती है। पियानो ब्लैक सेंटर कंसोल है, अपर सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे। कूल्ड वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको कैमरा का जो बटन है वो मिलने वाला है। पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइव मोड सिलेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जो है आपको फीडबैक देने वाला है। एंड आपको एक प्रीमियम फीलिंग जो है हर टच पॉइंट पर यहाँ पर आने वाली है। PRND ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जा रही है। GT लाइन किया सेल्टोस, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स हैं जो आपको इस डिवीजन के साथ मिलते हैं, तो इनके सबको ज़्यादा स्पेस चाहिए आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड अब आपको यहाँ पर मिल रहा है फेसलिफ्टेड वर्जन में। एंड यहाँ पर जब आप देखेंगे इसकी जो फंक्शनिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड अगेन क्वालिटी की बात आ जाती है, जो यहाँ पर बेहतरीन ऑफर करी जा रही है। देखिए आप इसका ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है आर्मरेस्ट के साथ। अभी आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है बिकॉज इसके अंदर एयर प्योरीफायर की यूनिट को फिट किया गया है। यहाँ पर डैशबोर्ड पे ब्लैक इंटीरियर्स हैं, बट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ज़रूर मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर कूल फंक्शनैलिटी के साथ दिया जा रहा है। ये जो सीट्स हैं आपको वाइट ये ट्यूबुलर पैटर्न के साथ मिलती हैं। परफोरेटेड कूल सीट्स का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस, वो इंडियन कस्टमर बहुत समय से डिमांड कर रहा था, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ। वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ है, आप देखिए बहुत पीछे तक ये एक्सटेंड होती है, काफ़ी बड़ी सनरूफ है अपने आप में। एंड दिस इज़ समथिंग जो बहुत कस्टमर्स को चाहिए था, अब ये ऑफर कर रही है किया मोटर्स। LED बेस्ड रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। सनग्लास होल्डर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सनवाइजर पे वैनिटी मिरर दिया जा रहा है। ड्राइवर के लिए आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है। रूफ को भी कम्प्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया है स्पोर्टी टचेस के लिए। पिलर्स तो आपको डेफिनेटली ब्लैक कलर की फिनिश में ही यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑल ब्लैक थीम यहाँ पे रखी गई है, जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगी बिकॉज स्पोर्टीनेस का जो यहाँ पे एलिमेंट है डेफिनेटली उसका ख्याल रखा गया है। अपर डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली हार्ड प्लास्टिक्स ही आपको मिलेंगे। सॉफ्ट प्लास्टिक्स इस सेगमेंट की गाड़ी में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सो ओवरऑल GT X Plus ट्रिम में आपको कुछ फीचर्स की कमी जो है डेफिनेटली लगेगी X लाइन वेरिएंट के कंपैरिजन में। अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस रखे गए हैं, बट जो विजिबल डिफरेंसेस हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। ADAS आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बढ़ते हैं एक बारी सेकेंड रो सीट में, एंड मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ बदलाव वहाँ पर करे गए हैं। बात करें अगर रेयर कैबिन स्पेस की, जो फ़िलहाल ड्राइविंग सीट जो है मैंने सबसे उसकी मैक्सिमम पीछे की जो पोजीशन हो सकती है उसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया है। एंड मिनिमम लेग रूम मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो मेरी हाइट है लगभग 5'9". एंड आप नी रूम देखिए, मेरे पास मैक्सिमम पीछे सीट को करके भी काफ़ी बढ़िया नी रूम है, मतलब मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। ये जाहिर सी बात है आपको सिर्फ मैं एक मिनिमम लेग रूम दिखाना चाह रहा हूँ, इतनी पीछे करके कोई भी गाड़ी चलाता नहीं है सीट को। बट आप नी रूम यहाँ पे देखिए, अंडर द सपोर्ट इज़ डेफिनेटली एडिक्वेट फॉर मी, एंड अंडर द सपोर्ट में मुझे किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं लग रही है। रेयर AC वेंट्स आपको मिलते हैं। ट्विन टाइप सी USBs जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर करी जा रही हैं। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। फ्लोर हम्प
ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो तीसरा पैसेंजर यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाएगा। आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट मिलता है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर करे जा रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स एंड लेदर की जो अपहोल्स्ट्री है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल जो सनशेड्स हैं वो भी मिलने वाले हैं। सो दीज आर अ फ्यू टचेस जो डेफिनेटली प्रीमियम नेस का जो कोशेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। स्मार्ट एयर प्योरीफायर आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है, इसको आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब अगर विड्थ की बात करें, विड्थ के मामले में दो फुल साइज एडल्ट्स आप बैठा सकते हैं आराम से, एक बच्चा बैठाइए, पांच लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी में। तीन एडल्ट्स अगर ज़्यादा हेल्दी ना हो तो उनको भी अकोमोडेट यहाँ पे कंफर्टेबली किया जा सकता है। सो डेफिनेटली स्पेस के मामले में आपको किसी भी तरह की जो लिमिटेशन है इस गाड़ी में नहीं दिखेगी। डेफिनेटली पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलता ही है, उसके कारण जो एयरीनेस है कैबिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बोस का साउंड सिस्टम तो आपको मिलता ही है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर करी गई है। 8 स्पीकर्स अलॉन्ग विद अ सब वूफर जो है वो आपको किया सेल्टोस 2023 में ऑफर करे जा रहे हैं। तो ये थी कुछ नई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट 2023 GTX प्लस ट्रिम। मुझे कमेंट करके बताइए कुछ लगा आपको फीचर्स के मामले में इजाफा। मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, माय आईडी इज द कार शो _ हर्ष जॉली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।